हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं MIUI सिस्टम लॉन्चर के बारे में। एक नया अपडेट है, स्टेबल अपडेट है, जो कि Xiaomi की ओर से फाइनली यहां पर रिलीज करा दिया गया और इसके अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस हैं वो भी यहां पर देखने को मिलते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बात बताऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्टेबल अपडेट के अंदर आपको यहां पर कौन सा कमाल का फीचर है जो कि यहां पर देखने को मिलता है। सो गाइस, पूरा इस वीडियो को देखना, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो चलिए चलते हैं मेरी फोन स्क्रीन पे। सो यहाँ पर गाइज आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पर देखने को मिलता है। सो अगर आप लोग सोच रहे होंगे ये आइकन पैक कौन सा है, सो ये वन UI का आइकन पैक है, मैं आपको वीडियो में आगे यहाँ पर बताऊंगा। सो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम लॉन्चर और इसका वर्जन नंबर आपको देखने को मिलता है 4.25 और जो पहले वाला जो अपडेट था उसके अंदर आपको 4.21 का अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है। सो स्टेबल अपडेट है, सभी चीजें वो आपको यहाँ पर स्टेबल देखने को मिलती है और एनिमेशन है वो तो आपको बहुत ही कमाल की यहाँ पर देखने को मिलती है आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँ इसके अंदर आपको कौन कौन से चेंजेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो अगर आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्वाइप करते हो सो ये वाला जो आपको फंक्शन देखने को मिलता है लेआउट है वो यहाँ पर ऑफिशियल आपको इसी यहाँ पर अपडेट के अंदर देखने को मिल जाता है। पहले आपको अलग से अपडेट है उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ता था। सो ये आप यहाँ पर डायरेक्ट आ चुका है। सो ये वाला आपको फर्स्ट चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं मैं आप लोगों से बात करूं सेकंड चेंज के बारे में, सो किसी भी एप्लीकेशन है उसको आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इसका जो लेआउट है वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है, आप लोग समझ गए होंगे। और इसको जैसे आप लोग रिमूव करोगे आपको एनिमेशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं एनिमेशन के बारे में, सो एनिमेशन काफी ज्यादा यहाँ पर स्मूथ कर दी गई है। ये मेरा डिवाइस है, ये Redmi का डिवाइस है, सो इसके अंदर एनिमेशन है वो अभी भी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस है उनके अंदर आपको एनिमेशन है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप लोगों को इसको फिर से अनइंस्टॉल करना है सो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको यहाँ पर कौन सी स्टेप है उनको यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आइकन पैक है वो यहाँ पर देखने को मिलता है 1UI 3.0 और जो आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है कमाल का ये आपको देखने को मिलता है सुपर iOS थीम का। सो इसको भी आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। और जो आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है वो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, सो आप लोग इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और जो ये एप्लीकेशन है MIUI लॉन्चर की, इसको मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है MIUI लॉन्चर, और इसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। Xiaomi सिस्टम अपडेट, आगे से आपको किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा यहाँ पर न्यूज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जो मेन चैनल आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर तो मैं आपको प्रॉपर न्यूज है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। सो गाइज आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो आपको एनिमेशन है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। सो स्वाइप करोगे इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पर आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर सकते हो। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना। अब मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको एक बहुत ही कमाल का इसके अंदर चेंज देखने को मिलता है। सो सारी चीज यहाँ पर स्टेबल है, आपको इसके अंदर बिल्कुल भी बग है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। स्पेशली मेरे डिवाइस के अंदर मुझे कोई भी बग है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और एनिमेशन है वो यहाँ पर एड कर दी गई है आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइज यहाँ पर कुछ इस तरीके की आप लोगों को एनिमेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसी नए अपडेट के अंदर। सो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।